वो कहता है ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ है। के सिवन के जीवन के अंदर उनका पास ना पहनने के लिए कपड़ा था, ना रहने के लिए छत। फिर भी दुनिया में सबसे बड़ा काम करके देखाया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धरती से चंद्रमा का सफर पूरा करने वाले के सिवान के जीवन कहानी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की और इसरो के अध्यक्ष के रूप में देश को अपनी सेवा दे चुके के सिवन के बारे में आज सभी जानते हैं। के सिवन का पूरा नाम कैलाशावादिवो सिवन, के सिवान फुल नेम कैलासावादिवो सिवान है, और वे एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं। के सिवन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मर चेयरमैन के सिवान के प्रमुख के रूप में भी काम किया है। यही नहीं, वे अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। के सिवन इसरो के काम करने से पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। एक गरीब परिवार में जन्मे के सिवन का जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ रहा है। आज हम उनके जीवन से जुड़ी खास बातें करने जा रहे हैं। के सिवन का जन्म 14 अप्रैल 1957 को मेला सरक्काल विलय तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम कैलाश वडिवु और माता का नाम चेल्लम है। एक गरीब परिवार में जन्मे के सिवन के पिता एक किसान थे, जिसके चलते के सिवन का बचपन भी खेती और गरीबी में बीता। गांव में रहने के कारण के सिवन की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई। सरकारी स्कूल से ही के सिवन की 8वीं तक की पढ़ाई भी पूरी हुई। स्कूल की पढ़ाई के लिए भी कई बार सिवन के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और इस कारण वे बाजार में जाकर आम बेचने के काम करते थे। के सिवन ने गरीबी से लेलेडी डीते हुए अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखा और नागेर कोयल के एसटी हिंदू कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। इस डिग्री और के सिवन ने 100% अंकों के साथ पूरा किया। वे अपनी फैमिली के पहले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। इसके बाद साल 1980 में के सिवन ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। यही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से के सिवन इंजीनियरिंग में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और इसके साथ ही साल 2006 में IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री भी हासिल की। अपनी पढ़ाई का काम खत्म करने के साथ ही के सिवन साल 1982 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के साथ भी काम करने लगे। यहां काम करते हुए के सिवन ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना में भी अपना योगदान दिया, जिसके बाद साल 2011 के अप्रैल माह में के सिवन को GSLV परियोजना का निदेशक बनाया गया। के सिवन का काम काफी अच्छा था, और इसे देखते हुए ही उन्हें जुलाई 2014 में इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का निदेशक बना दिया गया, जबकि इसके कुछ समय बाद यानी जून 2015 में वे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक बने। आगे बढ़ते हुए के सिवन को 15 जनवरी 2018 को इसरो का मुखिया बनाया गया। के सिवन के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के सिवन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। दरअसल उन्होंने 15 फरवरी 2017 को इंडिया की तरफ से एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किए जाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 को उड्डान भरना थी, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खराबी हुई और इसके चलते उड्डान को रोका गया, जिसके बाद एक टीम बनाई गई और इसके बाद 24 घंटों में ही इस प्रॉब्लम को ठीक किया गया, जिसके बाद चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 15 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष ISRO चेयरमैन एस सोमनाथ नियुक्त किया गया, और के सिवन इसरो के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए। अपनी लाइफ के बारे में के सिवन कहते हैं कि उनका शुरुआती जीवन कड़ी गरीबी में बीता है, यहां तक कि वे हमेशा से ही धोती पहनते थे। उन्होंने पहली बार MIT में पेंट पहना था। उनके परिवार में गरीबी के कारण उनका भाई और दो बहनें पढ़ाई भी नहीं कर पाईं। के सिवन के परिवार के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी का नाम मलाठी सिवन, के सिवन वाइफ मलाठी सिवन है। सिवन और मलाठी के दो बच्चे हैं जिनके नाम सिद्धार्थ और सुशांत हैं। के सिवन को राजेश खन्ना की फिल्म आराधना बेहद पसंद है। वे अक्सर गुनगुनाते हुए बागवानी करना पसंद करते हैं। बता दें कि डॉ के सिवन को इसरो द्वारा मासिक वेतन के रूप में 2.50 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं। इसरो के चीफ IAS और IPS की रैंक के बराबर हैं। सिवन नेटवर्थ लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा उनका मेला सरक्कलवई में पुश्तैनी घर है,
लेकिन डॉ के सिवन की कुल संपत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हाल ही में इसरो ने अपने ट्वीट के में यह स्पष्ट किया है कि डॉ सिवन किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं करते। हाल ही में यानी 14 जुलाई 2023 को हमारे देश के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कहा जा रहा है कि यह चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। के सिवन एक ऐसे इंसान है जिन पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उनका इसरो में जो योगदान रहा है उसे पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। हम जानते हैं कि एक किसान के बेटे होने से इसरो का प्रमुख बनने तक के लिए उन्हें कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा होगा। हमें उम्मीद है कि डॉ के सिवन चंद्रयान 2 की तरह भारत को अन्य कई उपलब्धियां हासिल करवाने में मदद करेंगे। कुछ ऐसा है दोस्तों के सिवन का जीवन कहानी। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और चलिए हम लोग फिर से दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू, टेक केयर, बाय।